हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है एक बार फिर से इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ वन एकेडमी। एंड मैं आपके साथ आपकी मेंटर एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ और आप लोगों का हो चुका है क्लास का टाइम। सो जल्दी से आ जाइए, भी सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले यूट्यूब के शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर आप लोगों को क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। सुबह 8:15 पर आपको द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी प्लस पेपर एनालिसिस आप लोगों को मिलता है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा सुबह 8:15 वाला सेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसको एक बार जल्दी से जाकर के वॉच कर लीजिएगा। स्टूडियो की प्लेलिस्ट पर आप ओपन करेंगे तो आपको क्लासेस सारी मिल जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट पर देखोगे तो सारी क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर जो आज का एडिटोरियल था वो पूरा अनएम्प्लॉयमेंट पर था, तो आप एक बार जा करके देख जरूर से लीजिएगा। 1:30 आज हम 50 वर्ड्स की सीरीज को सीखेंगे कि 50 वर्ड्स की सीरीज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और रात में 10:00 आज होगा टेंस पार्ट 2, तो टेंस पार्ट 2 के साथ हम लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आप लोगों से अनअकैडमी के शेड्यूल की, तो अनअकैडमी पर आप लोगों को मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सुबह 9:00 आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आज देखने के लिए मिला था लाइव टेस्ट, ठीक है। आज हमने कराया था आप लोगों को लाइव टेस्ट और एरर का लाइव टेस्ट कराया था। 2:00 की सीरीज में अभी आपको फिलर्स के पार्ट 2 मिलेंगे जो कि CGS और CPO के पेपर में किस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं। शाम को 7 PM पर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि पार्ट 3 के साथ आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा पूरी पार्ट ऑफ स्पीच हम आपको 3 से 4 दिन के सेशन में ओवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड गाइज। तो जल्दी से आ जाओ भाई सभी लोग सेशन को अटेंड करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वन हु इज स्वीट बाय द प्लेंटीफुल, प्लेंटीटिव, क्या बोलेंगे इसको हम, जल्दी से बताइए मुझे। One who is, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, one who is received by plaintive, क्या बोलेंगे इसको, जल्दी से बताओ। देखो plaintive का मतलब क्या होता है, plaintive का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो किसी भी दूसरे इंसान पर केस को करता है। जैसे मान लीजिए आप पर कोई केस हुआ और आपने उसके बदले में जब आपने केस किया तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। वेरी गुड गाइज। कम ऑन, जस्ट लेट्स डू इट एंड कीप आंसरिंग। मुझे फटाफट से सभी लोग आंसर यहाँ पर बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टेल मी द राइट वन। बहुत इजी है। देखो सबसे पहली बात, आप लोगों को सारे वर्ड्स की जब तक मीनिंग आप लोग हैबिचुअल नहीं होगी तो आप लोग उसको जज ही नहीं कर सकते कि आंसर यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा। अगर आप आंसर को जज नहीं कर सकते, देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, आइए जरा पहले वर्ड्स पर चलते हैं और उसके बाद जज करते हैं आंसर को कि आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा। बी होगा। एवरीबडी सेइंग कि मैम बी होगा। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज बी। सबसे पहली बात मेरे को ध्यान से सुनिएगा, डेसिकेट वर्ड का मतलब होता है रिमूव मॉइस्चर, रिमूव द मॉइस्चर, किसी भी चीज से रिमूव करना मॉइस्चर को, रिमूव द मॉइस्चर, किसी भी चीज से मॉइस्चर को कम करना। आप ये कह सकते हो कंप्लीटली ड्राई, किसी भी चीज को ड्राई करना, कंप्लीटली ड्राई, ठीक है। डिफेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज, इंडिविजुअल, कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट जो कोर्ट ऑफ लॉ को दिखाता है जिससे कि दूसरा इंसान केस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिसीट। डिसीट वर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। और एमेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉसिंग वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का कारण होना, कॉसिंग वॉमिटिंग, कारण बनना वॉमिट का, क्लियर है बात, यस और नो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हम लोग इतने जबरदस्त आपके CGS के पेपर में और CHSL के पेपर में आए हुए अब तक के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस के वन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक ही बार में 50 से 60 शब्दों को सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। और इट्स डिपेंड यार गाइस, शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द सेशन गाइज, ओके। चलो सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पीपल और थिंग्स दैट हैव बीन रिजेक्टेड और डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, पीपल और थिंग्स, कोई भी इंसान या कोई भी एक ऐसी चीज जो रिजेक्टेड कर दी जाती है, डिस्कार्डेड कर दिया जाता है एज वर्थलेस। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना ये हमारे यूज का नहीं है, इसको फेंक दो कभी कभी। और इंसानों के लिए कैसे यूज होता है, भाई ये हमारी मीनिंग का नहीं है, हमारे मतलब का नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं हम। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, कोई भी चीज इस तरीके की करते हैं, चीजों को हम वेस्टेज चीजों को हम फेंक देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा ओके, प्रिया सर्वेश,
ओके आंसर आ चुका है सौरभ भट्ट का, वेरी गुड फ्लोटसम। ओके ऑप्शन नंबर थर्ड सर ने मुझे बताया है कि मैम ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। तो चलिए ये देखते हैं कि आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा। सबसे पहला काम एक आप लोग जल्दी से कर दीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है सेशन को तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर करते चलिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि इसका आंसर आप लोगों का क्या बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, कोई भी अगर आपसे बोलता है कि कोई भी कैसी चीज या कोई भी कैसा पर्सन या थिंग्स जो रिजेक्टेड है, डिस्कार्डेड है, वर्थलेस की तरह, एज अ वर्थलेस, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको हम फ्लोटसम बोलते हैं, ठीक है। फ्लोटसम बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा फुटपैट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुटपैट? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुटपैट? क्या बोला जाता है इसको? अ हाईवे मैन, आप कह सकते हो हाईवे मैन ऑपरेटिंग ऑन फुट रादर देन राइडिंग अ हॉर्स, रादर देन राइडिंग अ हॉर्स, मतलब आप ऑपरेटिंग करें, ऑपरेट करें किससे? ऑपरेटिंग ऑन फुट रादर देन आप कह सकते हो राइडिंग हॉर्स, रादर देन राइडिंग हॉर्स। क्लियर है बात? हाँ या ना? वेरी गुड। इंटर्निस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर्निस्ट? गुड आफ्टरनून। इंटर्निस्ट का मतलब क्या होता है? इंटर्निस्ट का मतलब होता है जो मेडिकल मेडिकल स्टोर्स वगैरह में आप लोगों ने लोगों को देखा है, वो लोग क्या कहते हैं, जो मेडिकल्स की बहुत ज्यादा दवाइयों की महारत होते हैं, मेडिकल स्पेशल लोगों को कहा जाता है, ठीक है। प्लीज इसको नोट करिएगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट लोगों को कहा जाता है इंटर्निस्ट, ठीक है, इंटर्निस्ट कहा जाता है। और फ्लोटसम का तो मतलब यही होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। गाइस क्लियर है बात? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द साउंड ऑफ हेंस, मुर्गियों के साउंड को क्या कहते हैं? टेल मी। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। जल्दी से सेशन को बताइए और एक साथ 50 से ज्यादा शब्दों को सीखिए। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट इन योर ग्रामर। अगर आप देखते हो तो आप इससे अपनी वोकैबुलरी को भी बहुत इजी करते हैं, वोकैबुलरी के साथ साथ आप अपने शब्दों के ज्ञान को और प्लस वन वर्ड्स और वोकैबुलरी दोनों में आप हासिल करते हो, और इसके साथ साथ इससे सिनोनिम भी सॉल्व होते हैं, एंटोनिम भी सॉल्व होता है। तो एक पंथ दो काज वाली सिचुएशन सुनी है आप लोगों ने? वो मुहावरा सुना है कि नहीं सुना है? एक पंथ दो काज, बस यही वाली सिचुएशन है यहाँ पर, एक पंथ दो काज की। वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सेशन को शेयर जरूर से करिएगा और जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। द साउंड्स ऑफ हेंस, क्या बोला जाता है इसको? वेरी गुड, जल्दी से मुझे बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर क्या बोला जाएगा, आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? टेल मी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी डी डी, एवरीबडी सेइंग कि मैम डी होगा, डी होगा, डी होगा। यस एग्जैक्टली गाइज, क्लब का मतलब ही होता है साउंड्स ऑफ हैंड्स, साउंड्स ऑफ हैंड्स, ठीक है, बिल्कुल राइट आप लोगों ने यहाँ पर बताया, बिल्कुल राइट था। लेकिन पाइप का मतलब क्या होता है? पाइप का तो मतलब आप लोगों को बहुत इजी है, अटैप यूज्ड टू कन्वे, अटैप यूज्ड टू कन्वे वाटर। जैसे जैसे घरों में पाइप होते हैं ना, तो वो क्या होता है? पानी निकलने का रास्ता होता है। ग्रांच का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रांच? आप लोगों ने देखा होगा स्पेशली एनिमल, या फिर स्पेशली इसमें एनिमल से ज्यादा इसमें स्पेशली आते हैं पिग, ठीक है, पिग जो एक लो साउंड निकालते हैं ना, लो साउंड वो लोग निकालते हैं, उसको बोला जाता है ग्रंच, ठीक है। और बिलो का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से बताओ बिलो का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलो? बिलो का मतलब होता है डीप लोड रोरर। आप लोगों ने बहुत से देखा होगा एंगर, गुस्से में, या फिर बहुत ज्यादा पेनफुली आवाज निकालना किसी भी चीज की, ठीक है, पेनफुली आवाज निकालना, दर्द से भरी हुई आवाज को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, फियर ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ नॉलेज, ये वाला तो आप लोग बहुत इजीली बता सकते हो कि मैम दिस इज द राइट आंसर। ये मतलब रटाया हुआ है, फोबिया वाला, फियर वाला वर्ड तो हमने हजारों बार आप लोगों को रटा दिया होगा कि बेटा यही होता है, बेटा यही होता है, इसको आंख बंद करके समझ लो यही आंसर होता है। चलो बताओ, फियर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के डर से क्या कहते हैं? कई लोगों को, आप लोगों को सुना होगा आप लोगों ने कि लोग अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी नॉलेज शेयर करने से वो नॉलेज उनकी
कम हो जाएगी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्स में हम लोग एग्जाम्स देने जाते हैं जब, तो अगर बगल वाले से किसी से पूछो कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर आता है, तो सामने वाले से क्या जवाब मिलता है, हमने नहीं किया, तो उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी नॉलेज से, मेरे क्वेश्चंस के आंसर से ये मेरे से ज्यादा मार्क्स पा जाए, तो उसको हम कहते हैं फियर ऑफ नॉलेज। देखो फियर ऑफ नॉलेज में ये तो हमें श्योर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर वन तो नहीं होगा, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर वन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर वन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें फोबिया वर्ड नहीं लगा हुआ है, और फियर के लिए तो फोबिया शब्द का आना नेसेसरी होता है, फियर के लिए फोबिया शब्द का आना नेसेसरी होता है ना, फियर वर्ड के लिए हमेशा फोबिया शब्द आता है, फोबिया का मतलब ही होता है फियर। अब जब फियर ऑफ नॉलेज पूछा जा रहा है तो इसमें तो फर्स्ट में तो फोबिया है ही नहीं, तो मतलब ये आंसर आपका नहीं बनेगा। इसका मतलब होता है ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, जो अब नॉर्मली तरीके से लोग खाते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चैंपियंस, ऑप्शन नंबर शिवांगी पटेल है ना, ऑप्शन नंबर टू होगा, वेरी गुड गाइज, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फियर ऑफ नॉलेज इसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, फियर ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन एल्गोफोबिया क्या होता है, व्हाट इज द एल्गोफोबिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ टेल मी, आप लोगों ने कई बार लोगों को देखा होगा जो अबनॉर्मल हरकतें करते हैं और अबनॉर्मल तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एल्गोफोबिया कहा जाता है। मेनेमोफोबिया, मेनेमोफोबिया क्या कहा जाता है, फियर ऑफ ओल्ड मेमोरीज, फियर ऑफ ओल्ड मेमोरीज। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों के साथ पास्ट में कुछ गलत घटना हो जाती है या पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे हमेशा के लिए दिमाग में डर बैठ जाता है, तो वो लोगों को कहते हैं फियर ऑफ ओल्ड मेमोरीज, जो लोग पुरानी चीजों को याद करने से कतराते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ कॉलेज और पुअर स्कूल, जल्दी से बताइए, अ पर्सन एक ऐसा इंसान जो मैनेज करता है फाइनेंशियल अफेयर्स को, फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड, किसी भी तरीके के कॉलेज या फिर पुअर गरीबी स्कूल को क्या कहा जाएगा। यस प्रिया सर्वेश मैम, बिल्कुल राइट। अर्चना कुमारी, हमने आपका भी नाम लिया, चलो बताओ, अ पर्सन हु मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ अ कॉलेज एंड पुअर स्कूल, बताइए क्या कहा जाएगा उसको। बहुत इजी है, बहुत इजी है गाइस, मतलब हद से ज्यादा, एक होता है इजी, एक होता है बहुत इजी, ये वही है। क्या बोलेंगे, एक ऐसा इंसान जो मैनेज करता है किसी भी तरीके की फाइनेंशियल अफेयर्स को रिलेटेड टू द कॉलेज और रिलेटेड टू द पुअर स्कूल, गरीबी स्कूल, जो जैसे सरकारी आंगनबाड़ी के स्कूल होते हैं उनको यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। देखो बायर का मतलब होता है काउशेड, काउशेड गौशाला जिसे हम बोलते हैं, गाँव गौशाला, आप लोगों ने देखा होगा ना जहाँ पे बहुत सारी गाय रहती है उन्हें हम बायर बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। बंटिंग का मतलब क्या होता है, बंटिंग भी नहीं होगा। बिलियन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलियन, बिलियन का भी मतलब होता है, आप लोग एक तरीके से देखा होगा स्वर्ण रजत, जैसे कोई भी एक मटेरियल है जिसपे सोने से और गोल्ड और सिल्वर से बल्क में बहुत ज्यादा डिजाइन की होती है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर से बहुत ज्यादा स्वर्ण रजत कहा जाता है इनको, ठीक है, जो स्वर्ण से या फिर सोने से जड़ित होते हैं, बहुत सी चीजों को आप देखोगे तो गोल्ड से या फिर किसी भी तरीके की गोल्ड हो गया या किसी भी तरीके का सिल्वर पॉइंट हो गया उससे रिलेटेड वर्ड्स को बोला जाता है, ठीक है। बर्सर इज द राइट वर्ड, बर्सर इज द राइट वर्ड, एक ऐसा इंसान जो मैनेज करता है फाइनेंशियल अफेयर्स को कॉलेज और पुअर स्कूल के, जिसको आप बोलते हो खजांची, जिसको आप लोगों ने वर्ड मूवीज में बहुत सुना होगा, खजांची हो क्या तुम, मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसे है क्या, खजांची बोला जाता है, क्लियर है ना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, अ पर्सन हु इज स्लो इन लर्निंग, एक ऐसा इंसान जो स्लो है मतलब बहुत धीरा है पढ़ने में, लर्निंग में, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोग पढ़ते समय रुकते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, या जो चीजें आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाती है, हो सकता है कुछ लोगों को वो चीजें 10 बार में भी ना समझ में आती हो, लेकिन स्लो स्टडी वाले जो लोग होते हैं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कोई ना कोई एक आसपास जरूर देखा होगा, तो इन लोगों को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज, क्या बोला जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम मुझे क्लियरली बताइए कि हम क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को, बहुत इजी है गाइस। वेरी गुड बी शिवांगी पटेल, बिल्कुल राइट, उनको
एक ऐसा इंसान जो लर्निंग में स्लो होता है उसको ऑप्शन नंबर टू डंस बोला जाता है, बिल्कुल राइट. अच्छा, ड्रोवर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रोवर? अ पर्सन हु ड्राइव्स कैटल और शिप. एक ऐसा इंसान जैसे हम लोग कहते हैं मवेशी, जिन्हें हम लोग कहते हैं मवेशी, जो भेड़ और बकरियों को चराते हैं, भेड़ और बकरियों को या फिर उनके समूह को जो चराते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्रोवर. क्लियर है? अ पर्सन हु, लिख लीजिएगा यहाँ पर, अ पर्सन हु ड्राइव्स कैटल और शिप टू मार्केट. ठीक है. और नेक्स्ट सी ऑप्शन का बताइए, सी में क्या कहा जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज द मीनिंग, जिसे हम कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि डाउर कितना मिला है, दहेज, है ना, दहेज, डाउरी, डाउरी, डाउरी वर्ड सुना है ना, दहेज, डाउरी वर्ड सुना होगा आपने, उसी से ही फॉर्म बना हुआ है डाउर. ठीक है. और ड्राई का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग? आप लोगों ने कई बार देखा होगा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले होते हैं, है ना, उनको कहा जाता है. ठीक है, नोट कर लीजिएगा एवरी वर्ड. अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी वर्ड नहीं क्लियर होगा तो नोट जरूर से कर लीजिएगा. ठीक है, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट बताओ, अ पर्सन और पर्सोनिफाइड फोर्सेस हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ क्रिएटिव आर्टिस्ट. अ पर्सन और पर्सोनिफाइड फोर्स हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्या बोला जाएगा उनको? म्यूज, मेसर, मेनेक्स या फिर मैग्नेट, क्या बोलते हैं हम उसको? बहुत बढ़िया. देखो, म्यूज वर्ड तो काफी फेमस वर्ड है. इसको रोमन और ग्रीक मैथोलॉजी के नाइन गॉड्स को माना जाता है. मैथोलॉजी ईच ऑफ नाइन गॉड, ईच ऑफ नाइन गॉड. ठीक है. माइसर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइसर? अ पर्सन हु, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा होर्ड करता है वेल्थ को और स्पेंड करता है लिटिल मनी एज पॉसिबल, जिसे हम कहते हैं बहुत कम पैसे खर्च करने वाला, स्पेंड लिटिल मनी, स्पेंड लिटिल मनी. और बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. आइए देखते हैं कि क्या बोला जाएगा और यहाँ पर आंसर क्या बनेगा. ये तो अभी हमें देखने से पता चलेगा, है ना, कि आंसर क्या होता है. ध्यान से सुनना, एक ऐसा इंसान, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, अ पर्सन और पर्सोनिफाइड फोर्सेस हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ क्रिएटिव आर्टिस्ट. इंस्पिरेशन और एक पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी पावर या कोई भी एक ऐसी चीज जो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग का पॉइंट देती है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. जितने भी बच्चों ने यहाँ पर मुझे बोला है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, वो सब लोग गलत है. आंसर नंबर वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर. और मैग्नेट का मतलब होता है अ वेल्दी और इंफ्लुएंशियल बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमेन. ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर. गाइस, बफर हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लो प्लीज, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा. अगर बफर हो रहा होगा तो एक बार रिफ्रेश जरूर से कर लीजिएगा. बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट का आंसर बताइए. अ पीस ऑफ ग्रासलैंड स्पेशली वन यूज्ड फॉर हे. पीस ऑफ ग्रासलैंड मतलब एक मैदान का छोटा सा टुकड़ा, साइड का, स्पेशली वन यूज्ड फॉर हे, क्या बोला जाएगा उसको? जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज द राइट? वेरी गुड, व्हाट इज द राइट, व्हाट, कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? अ पीस ऑफ ग्रासलैंड स्पेशली वन यूज्ड फॉर हे. बहुत बढ़िया, ओके, आंसर्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं मेरे पास. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. लेट्स सी कौन यहाँ पर राइट होता है, किसका आंसर सही जाता है, जल्दी से बताइए. सौरभ भट्ट का आंसर आया मैम, मेडो होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ. यस एक्सैक्टली, मेडो का मतलब होता है अ पीस ऑफ ग्रास, ग्रास लैंड, अ पीस ऑफ ग्रास लैंड. ठीक है, अ पीस ऑफ ग्रास लैंड. लेकिन मिलिनर का मतलब क्या होता है? मिलिनर का मतलब अ पर्सन हु मेक्स और सेल्स वुमेन्स हेड्स. एक ऐसा इंसान जो मिलिनर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु सेल्स, अ पर्सन हु मेक्स और सेल्स
वुमेन हेड्स, ठीक है। और मैनिक्विन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, डमी, जो किसी भी शॉप वगैरह पे आप लोग जाते हो, डमी खड़े होते हैं जिन पर कपड़े वगैरह लगे रहते हैं, तो उनको हम मैनिक्विन कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, मेडो। क्लियर है बात? वेरी गुड, वेरी गुड। पार्ट सॉन्ग फॉर सेवरल वॉइस विदाउट इंस्ट्रूमेंट अकम्पनीमेंट, क्या बोला जाएगा? कोई भी पार्ट सॉन्ग, छोटा सा हिस्सा, सेवरल वॉइस, बहुत सारी वॉइस में, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के जब गाया जाता है, अकम्पनीमेंट। जल्दी से प्रिया सर्वेश मैम, हमने सबका रिप्लाई पढ़ा है। आसमा, हमने सबका रिप्लाई पढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, जल्दी से आंसर बताओ यहाँ पर कि आंसर क्या होगा यहाँ पर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। वेरी गुड चैंपियंस, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, आप इसको करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, और इसके साथ साथ आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो योर फॉर योर होमवर्क। ये क्वेश्चन अगेन आपके होमवर्क के लिए, ऑप्शन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर तीन, तीन क्वेश्चन हमने आपके होमवर्क के लिए लिए हुए हैं, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ हम आप लोगों को देंगे ना, इसकी जो पीडीएफ हम आप लोगों को शेयर करेंगे, वो पीडीएफ में हम एड ऑन करके कुछ क्वेश्चंस और देंगे, एड ऑन करेंगे क्वेश्चंस को। उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से सॉल्व करिएगा। ये सीडीएस और सीपीओ के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर पेपर के, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ा करिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आप लोगों को मैं समझती हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि मैम अभी तो एग्जाम्स नहीं है, या ऐसी कोई सिचुएशन है। आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कभी कभी मन में ये बातें आती हैं कि एग्जाम्स नहीं है, कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एम टोटली अग्री विद यू। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दें, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देंगे। हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं पढ़ेंगे। और पता चला जब वैकेंसी आउट हुई तो आप लोग क्या हो गए, आप लोग ब्लैंक हो गए, आप लोग बोर्ड हो गए। अब जैसे देखो, कितनी बार था कि आरबीआई के पेपर में बच्चों ने हेलो, वॉइस अटक गई है, बफर हो रहा है। दिख तो रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। कितनी बार होता है कि जब बच्चे परेशान होते हैं, मैम कैसे होगा, मैम वॉइस नहीं आ रही है, मैम ऐसा है, मैम वैसा है। कोई परेशान होने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो, है ना। कोई परेशान होने की बात है बताओ मुझे, कोई परेशान मत होइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यस, आज आप लोगों की 4 PM पर क्विज होगी, ठीक है, जिसकी क्विज का कोड हम आप लोगों को शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप उस कोड के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं क्विज के लिए। सभी बच्चों को जुड़ना मैंडेटरी है। और फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड। मेरा कोड है GAURI10, GAURI10। पढ़ाई अपनी स्ट्रांग रखो, होप मत हो किसी भी तरीके की, ठीक है। याद रखना, स्टडी कभी भी आपको परेशान नहीं करती, स्टडी हमेशा ज्ञान बढ़ाती है। कभी भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो बैच है ये स्पेशली सीडीएस और सीएचएसएल के लिए बेस्ट है, और सीपीओ के लिए, क्योंकि सीपीओ और सीडीएस का जो आपका पेपर है वो अक्टूबर में है, तो तैयार रहिए। अभी 2 PM की क्लास में भी सीडीएस और सीपीओ के पेपर में आए हुए कुछ फिलर्स के क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं अनअकैडमी पर। मेरे साथ इस क्लास में अनअकैडमी पर ठीक 2 बजे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें आप सबका वहां पर इंतजार रहेगा। थैंक यू।